जो एक बड़ी अच्छी खबर मेरे लिए भी, नेवली के बाद हमारी सबसे पहली स्टूडेंट जो कि इंडिया से थी, डॉक्टर शशि काला, वो हमारे साथ मतलब जनवरी में जो हमने सेशन स्टार्ट किया जैन में, वो हमारे साथ थी एंड शी टुक हर बेसिक एंड क्लिनिकल साइंसेज एग्जामिनेशन ऑन 15th of June एंड लास्ट वीक शी गॉट हर रिजल्ट्स एंड शी पास्ड, सो इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी एज वेल। Let's talk about the Nevli, my Nevli journey basically. So I took my BCSE in September and I got my result on like 18th of September. और September के बाद आप कह सकते हैं कि मैंने almost कोई 2 to 3 months का break ली और then मैंने January में proper January 2021 में अपनी proper जो है preparation start की अपने Nevli की. So what I used for the Nevli basically मैंने कुछ टू दी पॉइंट्स वही बेसिकली जैसे मेरी आदत है, जैसे बेसिक एंड क्लिनिकल साइंसेज एग्जामिनेशन के हैं वैसे ही इसके नोट्स कुछ बनाए स्पीशी वाइज बेसिकली, क्योंकि इसमें क्वेश्चन स्पीशी वाइज और हर चीज़ एवेल्यूएशन भी स्पीशी वाइज ही होती है, तो एक तो वो चीज़, उसके अलावा मैंने वेट प्रेप लिया जो कि एक सब्सक्रिप्शन है, ऑनलाइन टूल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेवली, बट मैं अभी आपको रिकमेंड नहीं कर सकता वेट प्रेप, क्योंकि वेट प्रेप बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली इस तरह से नहीं है कि जो उसके विजुअल्स हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं है कि जो आपको पढ़ने में मज़ा आए, बिकॉज मैंने BCSE के लिए ज़ूकू यूज़ किया है और ज़ूकू बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप कंपेयर करें वेट प्रेप से, इस हवाले से कि आप देखें कि जी उसके विजुअल्स कैसे हैं और ये वाली सारी चीज़ें, तो आई वॉज़ लाइक कि जी मुझे ज़ूकू ही लेना चाहिए था, बिकॉज अगर मैं ज़ूकू ही दोबारा लेता तो ज़ूकू में मुझे कुछ डिस्काउंट भी मिलता, मतलब अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता एंड ऑल दैट, और जब आप ज़ूकू लेते हैं तो उसमें टॉप 20 टॉपिक्स होते हैं फॉर द नेवली प्रिपरेशन, तो वो मैंने टॉपिक्स डाउनलोड किए, देन मैंने इनसे प्रॉपरली अपनी पूरी प्रिपरेशन की, ठीक है, तो बेसिकली ये वो सारा था और ऑलमोस्ट आप कह लें इट वाज अ जर्नी ऑफ ऑलमोस्ट लाइक 5 months। मैंने मिड दिसंबर में अपना वेट प्रेप बाय किया था, बट मैंने वेट प्रेप स्टार्ट ऑलमोस्ट जनवरी में किया प्रॉपरली और फिर कंटिन्यूसली स्टडी मोड, पहले जो एक तरीका है प्रॉपर प्रिपरेशन का, देन स्टडी मोड जब वो कंप्लीट फिर टेस्ट मोड एंड ऑल दैट और मीनवाइल अपने नोट्स और हर चीज़। सो कहने का मेरा मकसद ये था जो BCSE और नेवली दे आर टोटली डिफरेंट, क्योंकि मैं अपने आप को एवेल्युएट कर रहा था कि वेट प्रेप से ही जो वेट प्रेप के प्रैक्टिस क्वेश्चन आई वॉज लाइक नॉट सो गुड, स्टडी मोड जो था वेट प्रेप का उसमें मेरी 65-70% प्रोग्रेस थी, इसके दरमियान में थी आई गेस 69 और 68 इतनी थी, तो BCSE को अगर आप कंपेयर करें नेवली से तो बहुत बड़ा डिफरेंस है, नेवली इज काइंड ऑफ वेरी डिफिकल्ट एग्जाम एज कम्पेयर टू द बेसिक एंड क्लिनिकल साइंसेज एग्जामिनेशन। सो मैंने बेसिकली उससे तैयारी की और मुझे अराउंड 4.5 months का टाइम, 5 months टोटल लगे क्योंकि प्रॉपर बेस होती है आपकी पहले भी, तो ये वाले टूल मैंने बेसिकली यूज़ किए, कोई एक्स्ट्रा टूल नहीं किया, और एग्ज़ाम के करीब जाके एक आपका ICVA का आप एग्ज़ाम दे सकते हो अपने आप को वैल्यूएट करने के, वैल्यूएशन के लिए उसकी ऑलमोस्ट $70-$80 फीस है, 200 क्वेश्चन आते हैं, तो वो आपको ना टेंटेटिव स्कोर बता देता है कि जी आप नेवली में कितना स्कोर करेंगे, तो वो जब मैंने किया इट वॉज ऑन 6th of May मैंने वो टेस्ट किया और आई वॉज लाइक टोटली फेल्ड और मेरा वो स्कोर पासिंग भी नहीं आ रहा था, वो मुझे मतलब जो मुझे बता रहा था कि मेरे किस रेंज में स्कोर आएंगे टेस्ट के बाद, वो शायद मैं इधर अटैच भी कर दूँ इसमें वीडियो में भी डाल दूँ, अगर ना डालूँ तो फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें थे कि मेरे अराउंड 360 something से लेके 436 तक बनेंगे, तो ये एक वो टेंटेटिव ऑन द बेसिस ऑफ वो 200 क्वेश्चन पे ICVA ने मुझे बताया जो कि उनका है एक, तो तब मेरी परेशानी की पीक स्टार्ट हो चुकी थी क्योंकि तब मैं ऑलमोस्ट हर चीज़ कर चुका था, देन मैंने अपना प्रॉपर आप कह लें स्टार्ट किया दोबारा से, अच्छे से रिवीजन स्टार्ट की, मेनली मैंने डॉग्स कैट्स को लेकर रखा, तो अब इसमें इशू मुझे ये आया कि मैंने प्रॉपर एक तो स्टडी मोड भी कंप्लीट नहीं हुआ मेरे से कुछ 4-4.5 महीने में, और टेस्ट मोड भी वो भी कोई प्रॉपरली कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये मेरे थोड़े से ड्रॉबैक्स थे जिनका मुझे सामना था, और मैं क्योंकि टाइम उस तरह से कम दिया मैंने ऑलमोस्ट आप कह लें। बेसिकली जो नेवली है, नेवली में अगर आप जो क्वेश्चंस की अगर मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चंस किस तरह से होते हैं, कितने कितने क्वेश्चन किस किस स्पीशी में से आते हैं, बिग फोर स्पीशी हैं फॉर द नेवली, वो आपकी यही हैं कैनाइन, फेलाइन,
equine and bovines. ठीक है, तो basically आपका almost 78-80% paper इनमें से आता है. 50% आपका canine feline और almost आप कह लें जो आपका 14-18% equine में से और इतना ही almost आपका bovine में से आता है. बाकी swine में से almost 5% है. उसके अलावा शीप गोड में से भी अराउंड 1-2% है. ऐसे ही आपके जो भी एग्जॉटिक्स हैं, इग्वानास हैं, कैमलेड्स हैं, डियर्स वगैरह, उनमें से 1-2% आता है, तो आपका 100% हो जाता है. तो बेसिकली आपका मेन फोकस होता है इन्हीं चार स्पीशी पे जो मैंने आपको बताई, कैनाइन, फेलाइन, इक्वाइन एंड बोवाइंस. तो बेसिकली आपने इन चार स्पीशी को मेन फोकस बना के अपनी प्रिपरेशन करनी होती है, क्योंकि अगर आप इनमें कॉम्पिटेंट हो जाते हैं, आप बाकी में इतने ना भी हों, बाकी खुदा ना खास्ता रह भी जाएं, तो आप इतने होते हैं, मतलब इतनी कॉम्पिटेंसी बंदे में आ जाती है कि वो ये एग्जाम इजीली पास कर सकता है. इतनी कॉम्पिटेंसी आराम से आ जाती है ये वाले करके. तो खैर ये पूरा था, देन एग्जाम हुआ 17 को था, गए नहीं हुआ, वो एक अलग स्टोरी है. 19 में एक एग्जाम था और अल्हम्दुलिल्लाह एग्जाम हो गया. मैं आई वॉज लाइक वेरी कन्फ्यूज एट दैट टाइम. और उस दिन एग्जाम था, एग्जाम मैंने ऐसे था, मैं सुबह सुबह जड़ा वाला से लाहौर गया, एग्जाम दिया, देन मैंने वापस आना था, और देन उसी रात मुझे एबटाबाद के लिए जाना था, पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के लिए, PMA, क्योंकि अपने भाई को, वो भी व्लॉग अभी इंशाल्लाह इसके बाद आएगा, तो एक प्रॉपर मैंने शूट किया हुआ है, तो वहाँ मैंने जाना था. तो इट वाज लाइक थोड़ा सा स्ट्रेस सा भी था जाने का, लेकिन मैं टोटल फ्री होके गया था मेंटली के जी खैर है, अब जो एक काम करने जा रहा हूँ वो काम पहले करके हूँ. एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में मैं, अब जो वेट प्रेप आपको टेस्ट मोड में करवाता है, एग्ज़ाम में आपके पास 6 सेक्शन होते हैं टोटल, और आपके पास हर सेक्शन में 60 क्वेश्चन होते हैं, और आपके पास टोटल टाइम 65 मिनट्स होता है, तो टोटल 360 क्वेश्चन आपके होते हैं. 7.5 आवर का आपका एग्ज़ाम होता है, और उसके अंदर आपको 45 मिनट्स की ब्रेक अलाउ होती है बिटवीन द सेक्शंस. आप इकट्ठी लेनी चाहें इकट्ठी ले लें, आप ब्रेक्स में अलहदा अलहदा हर सेक्शन के बाद लेना चाहें, तो मैंने हर सेक्शन के बाद ऑलमोस्ट 5 मिनट ब्रेक ली थी. तो ये वाला एक टोटल एग्ज़ाम का सिनेरियो था. अब वेट प्रेप में जो टेस्ट मोड के क्वेश्चन थे, मैं वो 60 क्वेश्चन 65 मिनट्स की बजाय 25-30 मिनट्स हार्डली लगते थे, मैं सारे क्वेश्चंस कर लेता था. लेकिन जब एग्ज़ाम में आया और पहला सेक्शन था, तो आई वाज लाइक के आखिरी मिनट में मेरे को 7-8 क्वेश्चंस रहते थे, और आई मिस्ड लाइक 5 क्वेश्चंस इन माई फर्स्ट सेक्शन. तो पहले सेक्शन में मेरे 5 सवाल रह गए, उसके बाद वो एक काफ़ी मेरे लिए ज़रा डराने वाली चीज़ थी. मैंने कहा यार अगले सेक्शन कैसे मैनेज करने. खैर अगले में मेरा 1-2 रहे, पर वो मैंने मैनेज कर लिया इंशाल्लाह. उसके बाद मैंने हर सेक्शन 2-3 मिनट 5 मिनट पहले ही कर लिया. रिवीजन नहीं हो सकी, लेकिन एटलीस्ट मैंने कवर कर लिया. तो लेकिन लोग 10-10 मिनट पहले भी कर लेते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. ठीक है, तो वो मैं थोड़ा लैग किया, क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने स्टडी मोड भी मेरे से कम्प्लीट नहीं था हुआ नेवली वाला, और मेरे से टेस्ट मोड भी कम्प्लीट नहीं था हुआ. तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जिनमें मैं लैग किया. खैर एग्ज़ाम वेंट वेल, उसके बाद गए घूमने फिर रहे कश्मीर, एबटाबाद. दानियल को छोड़ा, मेरा छोटा भाई है, PMA उसको छोड़ा. देन हम अपना कोई टूर शूअर, क्योंकि 2017 के बाद फैमिली टूर कोई नहीं था हुआ, बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम छोटे भाई के, फिर उसके FSC मैट्रिक, यू नो. और देन एक जून आप कह लें कि आई थिंक 10 और 11 को रिजल्ट आया था. इट वॉज लाइक मिड नाइट और आई वॉज अबाउट टू स्लीप, देन मुझे मैसेज आया कि यार रिजल्ट आ गया है, तो काइंडली चेक करो. तो मैं उठा, रिजल्ट देखा, क्योंकि इट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ. आप कह लें द बिगेस्ट एग्जाम, नॉट वन ऑफ द, आप कहें कि इट्स बिगेस्ट एग्जाम ऑफ माय लाइफ. तो जो सबसे मेजर एग्जाम होता है, पासिंग रेशियो सबसे कम होती है, CP इजंट एन इशू, ये वाला थोड़ा इस लिहाज से थोड़ा इशू होता है इसमें, क्योंकि पासिंग लोग बहुत कम पास होते हैं. खैर मैंने रिजल्ट देखा, अल्हम्दुलिल्लाह पास, फिर मेरा रिजल्ट आया और अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गया. तो देन मैंने आपके साथ शेयर करने का सारा प्रोसेस, मैंने अपनी BCSE वीडियो शेयर की, तो लोगों को थोड़ा ये हुआ कि शायद अभी मेरा BCSE पास है, अभी नेवली नहीं है, बिकॉज मैंने अभी BCSE की जो शेयर की थी रिसेंटली, तभी वो नेवली का रिजल्ट आने के बाद वो मैंने की शूट. वो मैंने नेवली देने से कोई 1.5 महीना पहले की थी, बट आई वॉज काइंड ऑफ अफ्रेड, और वो जो आप कह लेना इज्जत की बात आ जाती है कि यार नेवली फेल हो गया. तो फिर तो खैर ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं, आप एक टाइम पे एक चीज़ पे फोकस रखें इंशाल्लाह. थोड़ी मेहनत रिक्वायर्ड है, मेहनत करें इंशाल्लाह. ये नहीं होता कि टेस्ट पास ही नहीं होता, तो इस तरह की चीज़ें अनफॉर्चुनेटली फेल भी हो जाते हैं, उसमें सच कोई इशू नहीं है. आप नेक्स्ट विंडो में दें इंशाल्लाह, आपको एक आइडिया हो जाता है. बेसिकली हमारा इशू ये आता है कि जो हमें वेट प्रेप ने प्रेपरेशन कराई, जो मैंने वेट प्रेप से की,
को टू द पॉइंट, मतलब उस तरह के क्वेश्चंस नहीं थे जिस तरह के एग्जाम में थे. थोड़ा सिलेबस वो था बट एग्जाम समथिंग एल्स. एग्जाम में मैंने आपको बताया स्टेटमेंट्स ही इतनी बड़ी बड़ी थी कि वो जो वेट प्रेप में मैं 60 क्वेश्चंस जो 25 मिनट में कर लेता था, तो एग्जाम में मेरे से वो 65 मिनट में भी 60 सवाल नहीं हुए, वो भी मिस हो गए. तो ये थोड़ी सी चीज़ें थी जो मैं आपके साथ आपको बताना चाहता था, आपके साथ शेयर करना चाहता था. कैसे पूरी जर्नी आप कह लें कि मार्च 2020 में स्टार्ट हुई ड्यूरिंग माई इंटर्नशिप, BCSE की तैयारी की, सितंबर में BCSE दिया, पास हुआ अल्हम्दुलिल्लाह. देन नेवली मई में दिया, इंशाल्लाह जून में नेवली 19 मई को दिया अल्हम्दुलिल्लाह, और जून में रिजल्ट आया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. आई पास्ड बोथ ऑफ द एग्जाम इन माई फर्स्ट अटैम्प्ट. आई होप यू गॉट माई पॉइंट्स एंड आपको प्रॉपर समझ भी आ गई होगी. अ लॉट ऑफ पीपल आर कॉन्टेक्टिंग मी फॉर द नेवली प्रिपरेशन एंड BCSE. So our next session is starting in August. So if you want to join, kindly register yourself as soon as possible because we have limited seats and we don't entertain a lot of people in a single session. We have like limited number of seats, only like 4 to 5 people can join a session. So aap mujhe wo message karke aap join kar sakte hain. I hope you like this video. Give a thumbs up or kindly do subscribe the channel as well. So you will get all the news and all the videos as soon as I post them. So inshallah, see you in the next video. Tab tak ke liye sama ko de ijazat. Allah Hafiz.